मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के अंतर्गत आने वाले मदाना ब्लॉक पुनासा नर्मदा नगर की रहने वाली सपूरन भी खंडवा जिला कलेक्टर के पास जन सुनवाई में पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगा रही है। कई बार आवेदन निवेदन कर चुकी है, परंतु आधिकारिक तौर पर आज तक किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई है। महिला ने आखिर में प्रताड़ित होकर कलेक्टर को फिर दिया आवेदन। देखिए पूरी खबर IBN 24 न्यूज पर फरीद मंसूरी के साथ। मेरे को 23-24 साल हो गए सर, मैं सहायिका के पद पे काम करती हूँ। सपूरा भी मेरा नाम है। मैं नर्मदा नगर में करमान 2 में सहायिका के पद पे हूँ, आंगनवाड़ी में। पहले जो मैडम थी 17 साल मेरे साथ रह चुकी है। वो मैडम के जमाने में कुछ नहीं हुआ। अभी जो मैडम आई है मीना चौकी कर, तो इसके जमाने में मुझे मारपीट, ये फूली बेचना, ये करना, मैंने वहाँ रोक लगा दी थी। फूली कौन बेचता है? मीना चौकी कर बेचती है। उसका पति भी लेके जाता है साइकिल से, कभी खाना बनाने वाली लेके जाती है, उनको देते हैं तो ये बेचते हैं। मैंने उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी करी हूँ, CDPO सर को दी हूँ। CDPO सर ने उसमें से हटा दिए मेरे मोबाइल से, और CDPO सर मेरे को बोल रहे थे कि तू क्या 2 लाख मुझे दे सकती है। मैंने हाथ जोड़ के बोली सर मेरे पास 2 रुपए नहीं, मैं 2 लाख कहाँ से दूंगी। आपको हटाने का क्यों बोल रहे हैं? वो मुझे हटाने का पैसे नहीं दे रही हूँ, मैं ऑब्जेक्शन ले रही हूँ कि भाई ऐसे मत बेचो, क्वेश्चन हार मत बेचो। अच्छा। अपन जिसका आया उसी को दो, ईमानदारी से काम करो। अपन तो इतने साल से दे रहे थे, ईमानदारी ही साथ देगी। तो इसलिए सर मैं बोलने के लिए गई। CDPO साहब को कई बार शिकायत करी। CDPO साहब कहते हैं कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। मैंने जन सुनवाई में 2 बार शिकायत करी हूँ। क्या महिला ने जो कागज वागज बताए, क्या मामला है? देखिए इनकी समस्या को लेकर ये मेरे पास में 2-3 बार सहायता के लिए पहुँचे हैं, जिसके चलते मैंने इनकी 4-5 बार मदद की है। और 2-3 बार मैंने जन सुनवाई के अंदर इनको लेकर आवेदन वहाँ पर हम लोगों ने दिया। उसके बाद हम लोगों ने अभी वर्तमान में इनके साथ मारपीट हुई, कुछ 5-7 महिलाओं को बुलाकर वहीं आंगनवाड़ी में मारपीट की गई। तो नर्मदा नगर के अंदर जिसकी शिकायत करके इनको अधम चेक दिया गया है, जिसको संज्ञान में देते हुए हमने माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय जी को भी एक अप्लीकेशन दिया था, जिसकी भी कार्रवाई अभी तक कुछ हुई नहीं है। और यहाँ पर ये जो इनका मसला चल रहा है, इस पर लगभग ये बता, इनके अनुसार तो इन्होंने कई बार आवेदन दिए हैं, लेकिन 2-3 आवेदन हम लोग जिला कलेक्टर को महिला बाल विकास में दे चुके हैं। इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही? अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। और CDPO जी से भी फोन पर चर्चा की है 2-3 बार। अच्छा। तो उनका भी कहना पड़ता है कि हम लोग कॉम्प्रोमाइज करेंगे, लेकिन कुछ निकाल नहीं हो रहा। पूरन भी है, आपके यहाँ पे सर्विस करते हैं, तो उनका क्या मामला है? देखो नर्मदा नगर की ये सहायिका है, और कार्यकर्ता और सहायिका में बहुत लंबे समय से विवाद चले आ रहा था। तो दोनों में बहुत सारी शिकायतें हुई थी, कई बार हमने जांच भी करी है, कई बार उनको समझाइश भी दी है। सुपरवाइजर स्तर पर भी और कार्यकर्ताओं के स्तर पर भी, ग्रामीण महिलाओं ने भी उनको समझाइश दी, स्थानीय सरपंच वगैरह सबने भी शिकायतें उसकी करी है, और हमने कई बार उसको समझाइश भी दी है। और ये बहुत लंबे समय से चला रहा था, वो समझाइश देने के बाद भी मतलब वो मान नहीं रहे थे, ठीक है। और इस मामले में मैंने खुद ने भी जाके जांच करी है। और दूसरी बात ये रही है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग थे वहाँ के रहने वाले, उन लोगों ने भी बोला कि भाई ICDS बच्चों के लिए काम करता है, कि बच्चों को सही से यदि विवाद होंगे तो बच्चे वहाँ पर नहीं आएंगे। हमारी जो ICDS की सेवा है वो प्रभावित हो रही थी, और तो नियमों के तहत जो कार्रवाई हो रही थी वो हमने की। सर ये बता रही है सपूरन भी कि इसमें 20-25 सालों से है, तो जब से कोई दिक्कत नहीं आई, अभी ये जो नई महिला आई है वो और आप कुछ पैसे की मांग कर रहे हैं। देखो कोई किसी पर ये सपूरन भी ने बताया है, कुछ भी बोले ठीक है ना। हाँ। मैं अपने नियमों के तहत कार्य करता हूँ, यदि मैं गलत हूँ तो आप मुझे सजा मिलेगी, और जो गलत हुआ वो सजा भोगे। उसने आपको फूली का जो है इधर उधर ले जाते हुए वीडियो बना के दिया था। उनका कहना है सपूरन भी का कि मैंने साहब को बताया तो उन्होंने डिलीट मार दिया। कौन सा वीडियो? कुछ बताया था, चोरी का वीडियो था उन्होंने बनाया। देखो कोई कुछ भी बोले, नियमों के तहत मैं कार्य करता हूँ, ईमानदारी के तहत कार्य करता हूँ। जिस पद पर मुझे बिठाया है उस गरिमा को मैं जानता हूँ, और पूरे क्षेत्र के अंदर सभी जानते हैं कि मैं काम कैसा करता हूँ, ठीक है। उसकी भी कोई मतलब गलती बताई? देखिए उसकी गलती हुई है, उसी का हमने जो है नियमों के तहत कार्य किया है, और उसमें पूरी जांच हुई है, और टीम सुपरवाइजर की टीम गठित करके बकायदा विधिवत तरीके से हमने कार्य किया। क्या लिखनी गलती? देखिए विवाद हो रहा था, और जन सुनवाई में भी उनकी शिकायतें ग्रामीण क्षेत्र से वहीं से इलाके से हुई है, और एक बार में 2 बार हुई है, उसकी जांच के तहत हमने कार्य करा। अब देखिए शिकायतें तो होती है, लेकिन आप भी कुछ सच्चाई तक पहुंचे। मैं राजेंद्र सिंह सोलंकी, परियोजना अधिकारी पुनासा।